40% कन्या भ्रूण हत्याएं, 10% बढ़ेगी कुंवारे लड़कों की तादाद। नमस्कार, मैं रश्मि तिवारी और आप देख रहे हैं कभी न्यूज। नारी तू नारायणी, नारी को स्वयं नारायण का ही रूप कहा जाता है। आज नवमी है, हम सभी कन्या पूजन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अथाह श्रद्धा से कन्या पूजन करने वाले इस देश में कन्याओं की स्थिति कितनी दर्दनाक रही है और आज भी है, चलिए आपको बताते हैं। कहानी बरसों पुरानी है, मगर ये एक साइंटिफिक रिसर्च का हिस्सा है। एक समय पंजाब के एक समुदाय में जन्म लेते ही बेटियों को मार देने की कुप्रथा थी। हत्या के बाद नवजात के मुंह में गुड़ और हाथ में कपड़े का टुकड़ा रख दिया जाता था। फिर प्रार्थना की जाती थी कि बेटी तुम इस दुनिया में दोबारा मत आना, अपने भाइयों को भेज देना। हरियाणा पंजाब में तो आप बरसों से ऐसे मामले के बारे में सुनते और पढ़ते आ रहे होंगे। सरकारों का भी ध्यान हरियाणा पंजाब पर ही बना रहा। इस बीच उत्तर प्रदेश की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, जहां खतरा पंजाब और हरियाणा से कम नहीं है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में बेटों के लिए बेटियों की हत्या का सिलसिला जारी रहा। कुछ वक्त पहले आई एक रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि 2030 तक यूपी में 20 लाख बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया जाएगा। इसकी पुष्टि आईआईटी दिल्ली की प्रोफेसर और एंथ्रोपोलॉजिस्ट रविंदर कौर की रिसर्च से भी होती है। उत्तर प्रदेश में फीमेल फिटिसाइड के मुद्दे पर रिसर्च कर रही प्रोफेसर रविंदर कौर के मुताबिक आने वाले सालों में देश की 30-40% कन्या भ्रूण हत्याएं अकेले यूपी में ही सामने आएंगी। बेटियों की संख्या कम होने की वजह से बड़ी संख्या में लड़कों की शादियां नहीं हो सकेंगी। प्रोफेसर कौर की ही एक और रिपोर्ट के अनुसार 2012 में यूपी में 10% पुरुषों की शादियां नहीं हो सकी थी। 2050 तक ऐसे पुरुषों की संख्या बढ़कर 17% तक जाएगी, जिन्हें बिना किसी जीवन साथी के अकेले जिंदगी बितानी पड़ेगी। सबसे पहले बात पश्चिमी यूपी की, जहां प्रतिबंध होने के बावजूद न सिर्फ अल्ट्रासाउंड जांच के बाद कन्या भ्रूण हत्या जारी है, बल्कि इसमें खुद स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं, जो इस क्रूरता के लिए पैसे लेते हैं। खासकर पहला बच्चा होने के बाद दूसरी प्रेगनेंसी में आशा वर्कर की मदद से भ्रूण के लिंग की जांच होती है, और अगर लड़की मिलती है तो निजी अस्पताल ले जाकर अबॉर्शन करा दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड मशीन दुनिया में आने से पहले ही बेटियों को निगलती जा रही है। बेटे की चाह में पेरेंट्स अल्ट्रासाउंड जांच कराने आते, लड़की का पता चलते ही अबॉर्शन करा देते हैं। कन्या भ्रूण हत्या बढ़ोतरी से बेटों के लिए बहू खरीद कर लाने का सिलसिला भी जारी है, चलिए आपको बताते हैं। कन्या भ्रूण हत्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई तो हरियाणा पंजाब की तरह ही अब यूपी में भी बेटों की शादी के लिए बांग्लादेश, नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों की लड़कियों को खरीद कर बहू बनाने का सिलसिला तेज हो गया है। यूपी में दूसरे राज्यों से सबसे ज्यादा बहुएं 1990 के दशक में आईं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। बेटियों को लेकर भारत में ही नहीं विदेशों में भी चिंता जताई जा रही है। एक रिसर्च के अनुसार ये पाया गया कि 2017 से 2030 के बीच भारत में 68 लाख बेटियां जन्म लेने से पहले ही मार दी जाएंगी। 2017 से 2025 के बीच हर साल 4 लाख से ज्यादा बच्चियों की गर्भ में ही हत्या की आशंका है, जबकि 2026 से 2030 के बीच हर साल 5 लाख से ज्यादा बेटियों को जन्म नहीं लेने दिया जाएगा। कई रिसर्च में साबित हो चुका है कि कन्या भ्रूण हत्या का खामियाजा सबसे ज्यादा महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है। यूनाइटेड नेशन पहले ही चेतावनी दे चुका है कि भारत में फीमेल फिटिसाइड पर अंकुश ना लगा तो सोसाइटी में महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज, वाइफ शेयरिंग जैसी घटनाएं बढ़ेंगी और पूरे समाज को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। बेटों की चाह में बार बार अबॉर्शन कराने से महिलाओं की सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव लाइफ पर भी बुरा असर पड़ता है, उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी खराब होने लगती है। इस तरह महिलाओं को लगातार कई कई अबॉर्शन कराने पड़ते हैं। आखिर में सरकार को 1994 में PCPNDT एक्ट बनाकर प्रसव से पहले भ्रूण की लिंग की जांच पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। ये पूरी कहानी उन कन्याओं की है जिन्हें जन्म ही नहीं लेने दिया गया। समाज ने उनके साथ इतनी क्रूरता और बेरहमी दिखाई कि रूह तक कांप जाए। माँ, बहन, बेटी या पत्नी, स्त्रियों को हर रूप में हम पूजते हैं, पर यह सिर्फ नाम का पूजन है। आज नवमी के दिन स्त्री के सभी स्वरूपों की पूजा करने के साथ ही हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम बेटियों को कोख में नहीं मारेंगे, उन्हें जन्म लेने और फलने फूलने देने का प्रण लेंगे। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ कभी न्यूज पर। नमस्कार।